क्या आपकी लाइफ में भी टाइम निकल रहा है और उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे? टाइम पर किसी का कंट्रोल नहीं हो सकता, इसलिए उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। टाइम को सही से यूटिलाइज करो अपना फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए। और टाइम को पूरा यूटिलाइज करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है हाइपर फोकस। नॉर्मल फोकस से काम नहीं चलेगा। जो फोकस आपके पास अभी है उससे सक्सेस मिलनी होती तो अब तक मिल जाती। आपको हाइपर फोकस की जरूरत है, ऐसा फोकस जिससे अपने लक्ष्य के अलावा कुछ और ना दिखे और ना याद रहे। जब अर्जुन निशाना लगाता था तो उसको सिर्फ मछली की आंख दिखती थी। ऐसा हाइपर फोकस लाने के लिए दो रूल्स फॉलो करने होंगे। पहला है स्विच ऑफ ऑटो पायलट मोड। आप जब पूरा फोकस लगाकर अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे होते हो तो मोबाइल की रिंग बजती है, एक नोटिफिकेशन दिखता है व्हाट्सएप में। आप तुरंत ओपन करके देखते हो और उसका रिप्लाई करने लगते हो। फिर 20 मिनट चैट करने के बाद आपको याद आता है कि आपका काम तो रह गया। ऐसा दिन में कई बार होता है। नेक्स्ट डे आप ये सोच के बैठते हो कि आज तो बिल्कुल चैट नहीं करना, फोकस से अपना काम पूरा करना है। अब मोबाइल की रिंग बजती है, नोटिफिकेशन दिखता है, लेकिन आप उसको चेक नहीं करते और अपना काम करते रहते हो। एक बार फिर से रिंग बजती है, अब आप सोचते हो बस एक बार रिप्लाई कर दूं उसके बाद तुरंत काम। लेकिन इस बार भी वही होता है, चैट में 15 मिनट निकल ही जाते हैं। कभी फ्रेंड्स के व्हाट्सएप स्टेटस चेक करने में लग जाते हो तो तब तक नहीं रुक पाते जब तक कि सब लोगों के सभी स्टेटस चेक नहीं कर लेते। ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में होते हैं, उन सब को स्विच ऑफ करना होगा। हाइपर फोकस का मतलब है जब तक अपना काम पूरा नहीं होता तब तक फोकस नहीं हटना चाहिए। अपने मोबाइल को इतना पावरफुल मत बनने दो कि वो जब चाहे तब आपको डिस्टर्ब कर ले। मोबाइल को यूज करो अपनी जरूरत के हिसाब से। सक्सेस उसको मिलती है जो दूसरों के स्टेटस चेक करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते बल्कि खुद का स्टेटस बनाने में अपना टाइम लगाते हैं। सेकंड है यूज अटेंशनल स्पेस केयरफुली। आपके दिमाग में अटेंशन के लिए जो स्पेस है उसमें एक टाइम में बस एक ही चीज आ सकती है। अगर आपको मल्टीटास्किंग करने की आदत है तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। बहुत से लोगों को लगता है कि वो 4-5 काम एक साथ कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन ब्रेन में वो कैपेसिटी होती ही नहीं है। अगर 4 चीजों के बारे में एक साथ सोचोगे तो एक भी काम ठीक से नहीं कर पाओगे, सिर्फ टाइम और एनर्जी वेस्ट होगी। एक बार में एक ही काम करो और पूरे फोकस के साथ करो। ऐसे बहुत से ट्रिगर्स होते हैं डेली रूटीन में जो आपकी अटेंशन को अपनी ओर खींचते हैं और आप अपने आप को रोक नहीं पाते। कुछ लोगों की अटेंशन अपने लुक्स पर रहती है, बार बार अपने लुक्स के बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा होगा, कल कौन से कलर का टी शर्ट पहनना है, लेदर शूज सही रहेंगे या स्पोर्ट शूज। कुछ लोग अपनी जॉब खत्म होने के बाद घर जाने के बजाय ऑफिस के बाहर खड़े होकर अपने कॉलीग से बातें करने लगते हैं, फिर ये एक आदत बन जाती है। ऐसी आदतें जो आपका टाइम वेस्ट कर रही हैं उनको आज ही छोड़ दो। दुनिया में अमीर लोगों से कोई भी यूं ही नहीं मिल सकता, अपॉइंटमेंट लेके ही मिलना पड़ता है क्योंकि टाइम की कीमत होती है। आप भी लोगों से सोच समझ कर मिलो। जो लोग बिना बात मिलने आ जाते हैं उनसे दूर रहो। अपने टाइम की कीमत समझो। हर किसी को अपनी अटेंशन मत दो। आपके दिमाग में अटेंशनल स्पेस लिमिटेड है, उसको उन चीजों से भर दोगे जो जरूरी नहीं है तो काम की चीजों के लिए जगह ही नहीं बचेगी और हाइपर फोकस नहीं हो पाएगा और इससे टाइम वेस्ट होता रहेगा। अपने दिमाग के अटेंशनल स्पेस को बहुत केयरफुली यूज करो। कुछ भी फालतू की यूजलेस चीजों में अपनी अटेंशन मत दो। आपके अटेंशन बहुत वैल्यूबल चीज है, इसको सब लेना चाहते हैं, लेकिन आपको अपनी अटेंशन सिर्फ अपने गोल पर रखनी है। 10 साल में मिलने वाली सक्सेस को 1 साल में ही पाना है तो हाइपर फोकस बन जाओ और अटेंशन को बस एक जगह लगाओ। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।